नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और बहस का नंबर वन शो ताल ठोक के। आपके साथ हूं मैं रूपिका लियाकत। क्या कश्मीर में आतंकवादी सेना के हाथों मिल रही हार से इतना बौखला गए हैं कि अब लोकतंत्र पर हमला करने लगे हैं? ये सवाल उठा है शोपियन में युवा बीजेपी नेता गौहर भट्ट की हत्या से। कल शाम को उनके घर से अगवा किया गया था उन्हें, बाद में उनके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर उनका शव मिला। माना यह जा रहा है कि आतंकियों ने उनकी हत्या की है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि वो कश्मीरियों को निशाना बनाने लगे हैं? बीते कुछ दिनों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमलों की घटनाएं काफी बढ़ गई है। गौहर हाल ही में श्रीनगर में बीजेपी के यूथ कन्वेंशन में शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्हें आतंकियों की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही थी। इसके बाद गौहर के नाम से छपे विज्ञापन में ये कहा गया था कि मैं अब किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। हालांकि बीजेपी में गौहर का कद बढ़ता जा रहा था। सवाल है कि क्या आतंकियों को यही बात ना बर्दाश्त के काबिल रही? गौहर की हत्या के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि आतंकी घाटी के युवाओं को बेहतर भविष्य चुनने से नहीं रोक सकते हैं। बीजेपी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट और सरकार की सख्ती से बने माहौल के बीच एक तथ्य यह भी सामने आया कि आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर बड़े पैमाने पर घाटी के युवा आकर्षित हो रहे हैं। इसीलिए आज हम ताल ठोक के जो सीधे सवाल पूछ रहे हैं वो यही कि सेना से हारे तो कश्मीर में आतंकी देशभक्तों को मारे? कश्मीर में देशभक्तों की फौज से आतंकी डर गए हैं? संघ की शक्ति से कश्मीर में घबराए हैं ये आतंकी? और कश्मीर में मुसलमानों की देशभक्ति से क्यों डर रहे हैं आतंकी? कश्मीर में देशभक्ति की सजा मौत क्यों है? हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कह देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब कश्मीर में रुकेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के हर कार्यकर्ता के पीछे हैं। इस प्रकार की हत्या, एक निहत्थे को मारना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। कुरान में नहीं लिखा जाता है किसी को मारो। टेररिज्म का एक फेज चल रहा है। बत्ती जो बुझने से पहले काफी फड़फड़ाती है, उससे ठीक हो जाए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बीजेपी के एक नेता की हत्या हुई है, हो रहा है। उसके खिलाफ में जहाँ तो चलेगी ही, लेकिन इसके बाद में ये बातें घटना ना हो, दोबारा ऐसा भी नीति बनेगी। डेस्परेशन है, ये डिसाइसिव वार जो है, प्रॉक्सी वार के खिलाफ जो एक लड़ाई है। आज वो लोग थे पहले जो आर्मी एस्टैब्लिशमेंट पे पुलिस के ऊपर, जो पुलिस के लोगों को मारना शुरू किया, उनकी फैमिलीज को मारना शुरू किया। ये कायरता है, ये जो है उनकी डेस्परेशन है, लेकिन ये जो डिसाइसिव लड़ाई है, जो हम जो एक अल्टीमेटली ये लड़ाई जो है उसको, उसके ऊपर जो विजय प्राप्त की होती है टेररिज्म के ऊपर, हम उसको इस डेवलपमेंट के काम को देखकर पाकिस्तान परस्त अलगाववादी और आतंकवादी बौखलाहट में है और वो चुन चुनकर राजनीतिक लोगों को शिकार बना रहे। दहशत का एक माहौल तैयार करने की कोशिश हो रही है। आने वाले दिनों में सरकार पंचायत के चुनाव कराने वाली है और उससे भी ये राजनीतिक लोकतंत्र की मजबूती कश्मीर घाटी के अंदर ना हो, ये पाकिस्तानी आतंकवादी खूनी खेल खेल रहे। ये दुख की बात है, लेकिन वो टेररिस्ट जो बीजेपी को सबसे बड़ा दुश्मन अपना मानेंगे पहली में, वो तो पहले ही सब सोचना चाहिए था। लेकिन ये भी बड़ी बहादुरी है कि वो बीजेपी लीडर खोल करके काम कर रहा था वहाँ, उसके परिवार को भी देखभाल करनी चाहिए, कि सरकार को चाहिए कि परिवार को उसे कोई मुश्किल ना हो, कोई परेशानी ना हो। सवाल
संबित पात्रा साहब हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता है और बीजेपी सेंट्रल कमेटी में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यासर जिलानी साहब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता है, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ है। सुशील पंडित साहब रूट्स इन कश्मीर के संस्थापक है, राजनीतिक विश्लेषक है, जेएनयू के छात्र रह चुके हैं, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में है। मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे और सेना मुख्यालय में डिप्टी डीजी रह चुके हैं। बाबर कादरी साहब जो कि वकील है और कश्मीर में अलगाववाद के समर्थक हैं, वो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। अभय दुबे साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आप सबको डेढ़ मिनट देने वाली हूं। डॉक्टर पात्रा, आप ही की सरकार, आप ही के पार्टी का एक शख्स मारे जाता है, बेरहमी से मारे जाता है, आप बाकियों में कैसे कॉन्फिडेंस जताएंगे? देखिए रूबिका जी, पहली बात तो है गौहर भट्ट के साथ जो हुआ है वो वाकई चौंका देने वाला है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और खास करके युवा मोर्चा के लिए बहुत दुखद विषय है। मैं गौहर के लिए शांति की प्रार्थना करता हूँ और उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। दूसरी बड़ी बात है, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, आपने डिबेट आरंभ करने से पहले जिस प्रकार से रखा कि एक बौखलाहट है कश्मीर के आतंकवादियों में, आज जो पाकिस्तान के प्रॉक्सी हैं उनमें जिस प्रकार की बौखलाहट है उसी का नतीजा है कि छुप छुप कर अब उस आइडियोलॉजी और उस आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स को मारने की कोशिश कर रहे हैं जिस आइडियोलॉजी के सरकार होने के कारण से आज आतंकवादियों के अंदर एक खलबली मची हुई है। देखिए बुरहान वानी से ये सिलसिला शुरू होता है, आज तक किसी भी सरकार के समय 3 वर्षों में इतने आतंकवादी नहीं मारे गए थे। रूबिका जी आपको याद होगा चंद दिनों पहले आर्मी चीफ ने यह भी कहा था कि इतने ज्यादा आतंकवादी अब मारे गए हैं कि लश्कर का कोई कमांडर बनना ही नहीं चाहता है। तो कहीं ना कहीं अब ये गुरिल्ला वॉर करने की जो कोशिश कर रहे हैं कि छुप के हमारे कार्यकर्ताओं को मारे, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है। जाकिर मूसा जो कह रहा था कि इस्लामिक कैलिफेट बनाना है कश्मीर के अंदर, तो स्वाभाविक है जब हमारे मुस्लिम भाई आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके इस कैलिफेट के आइडिया को धक्का लगता है और उसका नतीजा गौहर जैसे बहुत साहसी नवयुवकों को अपनी जान दे के और उनकी उनको मार के जो ये कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। जरूर इसका अंजाम इन आतंकवादियों को भुगतना पड़ेगा। 6 महीने में 80 आतंकवादियों को मार गिराया है और ये कहना है विक्टर फोर्स की तरफ से कि 115 और आतंकी हैं, उनको बहुत जल्द खत्म करेंगे, जो ऑपरेशन ऑल आउट है उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप कह रहे हैं कोई भी हेड नहीं बनना चाहता इन आतंकवादी संगठनों का, लेकिन जिस तरीके से गौहर भट्ट की हत्या हुई है वो डर अब कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़ने को लेकर भी घाटी में हो गया है। आप इस बात को भी समझिए डॉक्टर पात्रा। बाबर कादरी साहब, बुलेट से देश पैलेट पर आता है, पैलेट से प्लास्टिक पर आता है, आप पत्थर से पिस्टल पर जाएंगे, इतना डर, इतनी बौखलाहट, गला रेत के मारा है। देखिए रविका जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कश्मीर का आवाम जो है वो अमन पसंद है। हम किसी की मौत पे जश्न नहीं मनाते, जैसे कि आप रोजाना हम कश्मीरियों को मार के फिर जश्न मनाते हैं, मगर मसला ये है कि गौहर मारा जाए या बुरहान शहीद हो जाए, ये सारा एक कॉन्फ्लिक्ट का मसला है। जब तक कॉन्फ्लिक्ट हल नहीं होगा तो ऐसे वाक्या तो होते रहेंगे, ये पहला वाक्या भी नहीं है ना ही आखिरी है। कल मैं भी मारा जा सकता हूँ, कल और भी मारा जा सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट में जब तक कश्मीर है तो हमें ये जान के चलना चाहिए कि यहाँ पे लाशें गिरेंगी, इसीलिए हम कहते हैं कि मसले कश्मीर को का हल निकल आए ताकि इंसानी जान बच जाए। बहुत अच्छा हुआ बीच में ही रुक गए, 46 सेकंड आपके बाकी थे, बहुत वक्त था आपके पास लेकिन आपने बता दिया बुरहान अच्छा। वानी को आप शहीद बता रहे हैं? नहीं नहीं ठीक है, आपने दे दिया वो टाइम, मेरी बात सुन लीजिए आप। गौहर कहीं बाहर से आए थे, वो कश्मीरी नहीं थे, वो कश्मीरी नहीं थे। मैं वही कहता हूँ, गौहर की माँ कश्मीरी है, यहाँ पे जब भी कोई मरता है तो कश्मीरी माँ ही रोती है, इसीलिए हम कहते हैं एज कश्मीरी मैं एक्टिविस्ट बोलता हूँ कि मसले कश्मीर के 3 फरीक हैं, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है और कश्मीरी आवाम है, और इसमें डायलॉग होना चाहिए और एक रेजोल्यूशन आना चाहिए। खुदा रा भगवान के लिए कश्मीरी आवाम पे रहम करें, कश्मीरी आवाम के मरने पे, चाहे उस साइड से मरे या इस साइड से मरे, आप सेलिब्रेट ना करें, आप एक बायसड पॉइंट ऑफ व्यू, बायसड नजरिए से ना चलें, आप ये ना देखें कि कश्मीरी मिलिट्री वालों के या आर्मी वालों के गोली से मरा तो हम जश्न मनाएंगे तो फिर कहेंगे रोजाना मिलेगा एक दुजाना, ये ऐसी डायलॉगबाजी और लफाजी से आप परहेज गुरेज करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ समित पात्रा जी को। सर रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट वर्ड का मतलब भी आप समझते हैं?
कौन यहाँ पर जश्न मनाता है? आतंकवादी जो हिंदुस्तानियों को, जो कश्मीरियों को निशाना बनाएंगे, वो खत्म होंगे, वो खत्म होंगे और उनको किसी भी कीमत पर खत्म किया जाएगा। ऑपरेशन ऑल आउट, आप समझ लीजिए इस बात को। आप कश्मीरियों का नाम मैं गिना दूं आपको? इतना सेल्फिश, इतना मीन कोई नहीं हो सकता है जितने आप सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं। अपने खजाने भर भर के आप लोग थकते नहीं है और वहां कब्रें खोद खोद कर थकते नहीं है साहब। आप अब रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। रिक्वेस्ट मैं कहता हूं जनाब, रिक्वेस्ट के माने समझिए पहले आप। रिक्वेस्ट और कश्मीरियत के माने समझिए आप। विशंबर दयाल साहब, ये बौखलाहट है, ये डर है, ये खौफ है कि कश्मीरियों को सर लिस्ट देखिए आप। गौहर अहमद भट्ट, मोहम्मद रमजान शेख, सरपंच फैयाज अहमद, अब्दुल राशिद, रमीज पारे, मंजूर अहमद, लेफ्टिनेंट उमर फैयाज, डीएसपी अयूब पंडित, फिरोज अहमद डार, सर मैं थक जाऊंगी, और ये कहते हैं कश्मीरियत के लिए लड़ रहे हैं। देखिए रूबिका, किसी भी टेररिज्म के फेसेस और फेजेस होते हैं। जब टेररिस्ट बहुत एग्रेसिव होते हैं और टेररिस्ट के अंदर कुछ शक्ति होती है तो वो ओपनली सिक्योरिटी फोर्सेस को चैलेंज करते हैं। आज जम्मू एंड कश्मीर में ऐसी कोई हालात नहीं है, और जो आज का फेज है वो लोएस्ट फेज है, जब टेररिस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस से छुपते हैं, अवॉइड करते हैं, और जो उसके नागरिक हैं, उसके शहरी हैं, उनमें दहशत फैलाते हैं और उनको उनको इसी तरह से उनको मौत के घाट उतार देते हैं। ये दहशत फैलाने का उनका फेज है और ये दहशत फैलाने में लगे हुए हैं क्योंकि इनके पास किसी किस्म की कोई कैपेबिलिटी नहीं बची है। मैं काफी दिन से यहां कह रहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेज टेररिस्ट को एकदम लो लेवल पे लाएंगी, लेकिन टेररिज्म फिनिश करने के लिए मैं हमेशा से कहता रहा हूं, हमारी जो पॉलिटिकल, सोशो पॉलिटिकल, जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है, जो लोकल गवर्नेंस है, उसको एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा टू रीच आउट टू पीपल। एक बहुत अच्छी चीज हुई थी कुछ दिन पहले, बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने एक छोटी रैली की थी, हालांकि उसमें 100-200 आदमी थे, लेकिन बहुत अच्छी थी। क्यों नहीं टीडीपी, क्यों नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्यों नहीं वहां पे बाकी पार्टीज इस किस्म से लोगों को इन्वॉल्व करके एक मूवमेंट स्टार्ट करती? क्योंकि टेररिस्ट अब रन पे हैं, पाकिस्तान का खेल खत्म हो चुका है। जो अलगाववादी हैं उन पर थोड़ा और टाइट कीजिएगा और बगैर बात की स्टेटमेंट, इंटरलॉक्यूटर्स वगैरह सब बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये लोगों को एक होप देती है। देखिए कश्मीर का मसला बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है सर, अब आपका टाइम अप हो गया है, लेकिन सुशील पंडित साहब, क्या लग रहा है आपको, बेहतर हो रहे हैं हालात और इसीलिए ये डर है? मुझे प्लीज आप समझाइए, क्योंकि आपसे बेहतर इस चीज को मुझे कोई नहीं समझा सकता और दर्शकों को नहीं समझा सकता है। सुशील पंडित साहब, धन्यवाद। नहीं, मैं यहीं से शुरू करूंगा जहां ये बाबर कादरी ने कहा कि खुदाया खुदारा लफाजी से गुरेज करें, और फिर वो एक ही पलड़े में बुरहान जैसे आतंकवादी को और भट्ट जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता को तोल देते हैं। वो एक ही पलड़े में दुजाना को और निहत्थे मारे गए सरपंचों को तोल देते हैं और कहते हैं कि ये लाशें गिरती रहेंगी। ये धमकी है उनकी कि आप हमारी शर्तों पर कश्मीर को तय कीजिए वरना ये लाशें गिरती रहेंगी, और फिर कहते हैं कि कश्मीर पर रहम कीजिए। मुझे इन्हीं दोगली बातों पर आपत्ति है। कश्मीर की हालत को आप समझना पड़ेगा। बंदूक उन्होंने सर पे हमारे तान रखी है, निहत्थों और नॉन कॉम्बैटेंट्स जो कि किसी भी हिंसा में, किसी भी तरह के संघर्ष में शामिल नहीं है, उनको निशाना बनाकर, उनको आगे बनाकर आप अपनी राजनीतिक मुहिम की शर्तें तय कर रहे हैं। और उससे उसके बाद दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता देशभक्त के मरने पर उसको श्रद्धांजलि जरूर दे दें, लेकिन ये ना बतलाएं कि अब ये छटपटाहट है, ये बौखलाहट है। ये छटपटाहट बौखलाहट 28 साल से चल रही है, कभी तेज होती है, कभी कम होती है। आप अपनी नीति इनके प्रति क्या रखते हैं? केवल शोक संवेदना व्यक्त कर देने तक काफी नहीं है। अब स्टेप बाय स्टेप जाने का वक्त नहीं बचा है। डॉक्टर पात्रा, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन जिलानी साहब, आप वहां पर कुछ काम भी कर रहे हैं और हमें ये जानने में मिला है कि बहुत सारे युवा मेन स्ट्रीम में अपने आप को फिट करना चाहते हैं, वहां पर काम करना चाहते हैं, राष्ट्र के प्रति जो मोहब्बत है, वो भक्ति उन लोगों में साफ तौर पर दिख रही है। देखिए, मुझे बहुत दुख है, आज आंखें मेरी नम है सुबह से,
हमें कल ही पता चल गया था क्योंकि ये हमारा साथी है, और गौहर अहमद भट्ट साहब की जो शहादत है, आप यकीन करें कि ये ज़ाया तो नहीं जाएगी, लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चार दिन पहले जिस बच्चा है वो 23 साल की उम्र थी, और उसके घर की फैमिली का आप अगर इस वक्त अंदाज़ा लगा लें दुख का, सिर्फ मैं और किसी की बात नहीं करूँगा कि कोई किसकी पहले डेथ हुई और क्या हुआ, इस बच्चे के अंदर राष्ट्रवाद, इस बच्चे के अंदर हिंदुस्तान से मोहब्बत, इस बच्चे के अंदर एक ऐसा जुनून था जो घाटी के अंदर शायद ही मैंने किसी युवा साथी के अंदर देखा है। मैं जब मुझे कल पता चला, मैं आपकी डिबेट में था, उसके बाद जब मैं गया हूँ तो मुझे जब इस बात का, आप यकीन माने कि हमारे पास एकदम से शौक थे सब कि ये क्या हुआ, क्योंकि इनकी अभी बहुत लाइफ थी, बहुत। मैं बाबर कादरी जैसे लोगों को चेताना चाहता हूँ, बाबर कादरी आप जिस तरह की बात करते हैं ना, और बार बार आपसे कई बार मेरी बात हुई डिबेट के थ्रू, आपने कहा कि मैं लानत क्यों भेजता हूँ, मैं लानत इसीलिए भेजता हूँ आप पे और आपके उन नेताओं पे, मीरवाइज फारूक गिलानी और यासीन जैसे गद्दारों पे लानत इसलिए भेजते हैं कि आपने इस 23 साल के युवा को बेदर्दी से गला रेत के मारा है, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, और आप बैठ के बात कर रहे हैं कि अभी तो हम इधर अगर मारेंगे तो उधर मारेंगे, और दुजाना जैसे दुर्दांत आतंकवादी से एक राष्ट्रवाद का एक बच्चा 23 साल का उससे आप मिलाते हैं, उससे आप कंपेयर कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं नहीं, उसमें भी उनको मारा गया और शहीद, ये लफ्ज जब इस्तेमाल करने होंगे बहुत सोच समझ के वो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल जैसे सेविंग अकाउंट होता है और करंट अकाउंट, बिल्कुल उसी तरीके से इनको सिर्फ वही अकाउंट नजर आते हैं। लेकिन अब अभय दुबे साहब, एक यूनिफाइड अप्रोच खुदा के वास्ते आप सारी पार्टियां मिलकर क्यों नहीं अपना लेते कश्मीर के लिए? ये वही कश्मीर है जहां से आप कहते हैं कि पंडित नेहरू आए हैं, ये वही कश्मीर है जहां से इंदिरा गांधी ने अपने हर एक एडवाइजर को चुना था, और आज की तारीख में शख्स के लिए एक ट्वीट तक नहीं आया है राहुल गांधी के पास या उनकी तरफ से। देखिए रूपिका जी, समूची कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। प्रजातंत्र को पोषित करने के लिए एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता वहां दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लगा था, और शर्मसार कर देने वाली बात है कि जो अलगाववादियों के समर्थक हैं जरा भी शर्म नहीं आती, पुरान मानी से और दुजाना से उसका कंपैरिजन करते हो आप, कितनी बड़ी धृष्टता है। मगर साथ साथ ये बात भी हमको ख्याल रखनी चाहिए कि 2014 में हमारे 15 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने बलिदान दिया, 15 में 23, 16 में 60 और 17 तक आते आते 42, अर्थात बड़ी संख्या में सेना के लोग भी वहां अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, मगर क्या लॉलेसनेस है? सरकार कहां है? सेना तो काम कर रही है। अभी पात्रा जी कह रहे थे कि इतना आज तक 2010 में 175 आतंकी मारे गए सम्मित पात्रा जी, लेकिन राजनीतिक समाधान सरकारों को ढूंढना होगा, वहां की स्थानीय लीडरशिप अगर आपकी गौहर भट्ट जैसी हो तो हम परिणाम मूलक विषयों पर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां पर आपके उप मुख्यमंत्री बुरहान वानी का समर्थन करने खड़े हो जाएंगे तब राजनीतिक समाधान इसका नहीं निकलेगा। आपकी हीना भट्ट अगर कहे कि 370 उठाओ मैं AK-47 उठा लूंगी तो इसका समाधान नहीं निकलेगा, वहां बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों को कार्यकर्ता गौहर भट्ट जैसे पैदा करने होंगे जो प्रजातंत्र को जी तब भी नहीं निकलेगा जब मणिशंकर अय्यर वहां जाएंगे और गिलानी साहब को गले लगाएंगे, तब भी नहीं निकलेगा जब चिदंबरम साहब कहेंगे कि इनको ऑटोनॉमी चाहिए, आजादी का मतलब ऑटोनॉमी है। दोनों आंखें खोल कर बात कीजिए, ये कश्मीर का मुद्दा है, आपका पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं आप दोनों को इस मामले में आज वाकई चेता देना चाहती हूँ, डॉक्टर पात्रा भी और अभय दुबे साहब भी, आपको अगर एक दूसरे के लिए पॉलिटिक्स करनी है तो ये डिबेट है, कीजिए पॉलिटिक्स, लेकिन डिबेट के बाद जरा एक यूनिफाइड अप्रोच इस पर अपना लीजिए। डॉक्टर पात्रा, देखिए बड़ा दुख का विषय है, कहीं ना कहीं से हम हर विषय में राजनीति ले आते हैं। दो चीज़ यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखिए अभी कश्मीर से जो बाबरी बैठे हुए हैं, बाबरी का कहना था कि ये लाशें ऐसे ही बिछते रहेंगी, एक कार्यकर्ता मारा गया है, आप कहते हैं कि ये लाशें ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, और कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट यह है कि कश्मीर को आज़ादी चाहिए,
देखिए मैं आपको बाबरी ये मैं सिर्फ बाबरी को नहीं कह रहा हूँ, बाबरी के माध्यम से बाबरी जैसे सोच वाले हजारों लोगों को मैं कह रहा हूँ। मैंने आपका नाम इज्जत से लिया है, ये आपके आपका सोशल बैकग्राउंड दिखा रहा है जो मेरा नाम आप इस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, मेरा 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 सोशल बैकग्राउंड बहुत खराब है, मगर आप सुन लीजिए। अरे तो नाम मैं क्या आपके माध्यम से ऐसे आप हजारों लोगों देश के खिलाफ भर है चैनल पर बैठकर और आप सम्मान की अपेक्षा करते हैं। सुन लीजिए, रुक जाइए, मुझे मुझे बोलने दीजिए, सम्मान से बोलेंगे आपको, मुझे बोलने दीजिए, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। मैं बाबरी को जो कह रहा हूँ ये बहुत ऐसे लोगों के लिए है जो ये लाशें बिछाने वाली बात करते हैं। आप हमें मारेंगे ना, मगर हम कश्मीर को बचाएंगे। आप मारने निकलिए, हम बचाने निकलते हैं, देखते हैं बचाने वाला बड़ा है या मारने वाला बड़ा है। और आज मैं यहाँ चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। ये रेटोरिक नहीं है, ये रेटोरिक आपको लग रहा होगा, बड़े रेटोरिक आपको लग रहा होगा। रूबिका जी, कहीं लाशें बिछाने की कोई बात नहीं की है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड। रूबिका जी, ये आपको रेटोरिक लग रहा होगा, मगर ये रेटोरिक नहीं है। कल की बाबरी नहीं, रूबिका जी, आई टेक ऑब्जेक्शन टू योर वर्ड्स, आई टेक ऑब्जेक्शन टू योर स्टेटमेंट। ये रेटोरिक है, जब बाबरी कह रहा था तब आप अपोज नहीं कर रही थी, तब आप अपोजिशन नहीं कर रही थी, जब बाबरी कह रहा था लाशें बिछेंगी तब तो रूबिका अपोज नहीं कर रही थी, मगर आज रूबिका इस बात को अपोज कर रही है जब हम कहते हैं कि हम वहाँ आतंकवाद समाप्त करेंगे। मुझे तो ऑब्जेक्शन इस बात का है, बाबरी को ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती है। आपने हमारे 1.5 लाख लोगों को मारा है, आपने छोटे छोटे बच्चों को अंधा किया है, किस किस बात की बात कर रहे हैं आप? क्या क्या लाशें बिछाने की बात कर रहे हैं? मुझे इस बात की पूरी मुझे अरे चुप रहिए, आपने मारा है आतंकवादियों को, हम मारेंगे रूबिका जी, भले ही आपको ये रेटोरिक लग रहा हो, हम आतंकवादियों को मारेंगे और मार रहे हैं। तो मैं किस भाषा में बोल रही थी जो आपको ये बात समझ में नहीं आई? बाबर कादरी को किस भाषा में ये बात अभी समझाई गई है कि आतंकवादियों को खत्म करके रहेंगे, ऑपरेशन ऑल आउट को कंक्लूजन पर पहुंचा कर रहेंगे? तो आपको लेकिन सर मैं ये कह रही हूँ डॉक्टर पात्रा, ओके फाइन, लेट मी कम, ओके लेट मी काम माय सेल्फ नाउ, आई विल कम बैक टू माय क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सर, आप ही की पार्टी का आदमी, आप ही की सरकार में अगर वहां पर मारा जाता है, आपको नहीं लगता है कि ये सच में बहुत सीरियस इशू है? नहीं, इसमें कोई मना नहीं कर रहा है, ये सीरियस इशू है, तभी तो हम डिबेट कर रहे हैं, और तभी तो मैं कह रहा हूं हमको आप मारेंगे ना, हम आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे। अगर यही धमकाने का तरीका है कि आप हम लोगों को मारेंगे, हमारे कार्यकर्ता को मारेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पैर पसार रही है और भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी के कारण आज आतंकवादी मारे जा रहे हैं, हम अलगाववादियों के साथ खड़े नहीं हैं, हमने अलगाववादियों पर NIA लगाया है, आप हमें मारेंगे ना, ये रेटोरिक नहीं है रूबिका जी, सही है, इसीलिए हमें मार रहे हैं। हम इससे डरने वाले नहीं है, हम इससे डरने वाले बिल्कुल नहीं है। पात्रा प्लीज अंडरस्टैंड, जिस तरीके के हालात देखिए, लेकिन कोई आपको लगता है कि हमको डर जाना चाहिए? नो पॉलिटिक्स, अबे दुबे सर रुक जाओ, नहीं आप लोग देखिए, कार्यकर्ता हमारा मारा गया और आप बुरा, आप यहाँ बाबरी को अटैक नहीं कर रहा है, सब अटैक करने में लगे हैं भारतीय जनता पार्टी को। उनका नाम बाबर कादरी है, अरे भारतीय जनता पार्टी, अरे मैं उसे गद्दारी बुलाता हूँ, अभी गद्दारी बुलाऊंगा। क्या किया था आप उसको? बाबर कादरी या बाबरी कुछ नहीं बोला है, मैं उस व्यक्ति को गद्दारी बुला रहा हूँ। किसी को कुछ बुला देने से अगर कश्मीर के हालात ठीक हो जाते हैं, लेट्स कॉल ईच अदर अ नेम, नहीं लेट्स गिव ईच अदर अ नेम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, उस पर बात करना ज्यादा जरूरी है। कोई निहत्था निर्दोष मारा जाता है, हमारे पास छाती पीट कर उसके लिए मातम मनाने के सिवा क्या बात रह जाती है? हम लोग कश्मीर से 28 वर्षों से जूझ रहे हैं, लेकिन सच आज ये भी है, सच आज ये भी है कि गृह मंत्रालय 100 करोड़ से ज्यादा रुपया हर साल हुर्रियत पर खर्च कर रहा है। आपके घर से कोई नहीं मरता, अरे कश्मीर हमारा घर है, गरीब हिंदुस्तानी हमारा घर है। कश्मीर में केवल कश्मीरियों ने खून नहीं बहाया है,
कश्मीर में देश भर के जवान जाते हैं, गरीब हिंदुस्तानी आवाम और कश्मीरी मजलूम मर रहे हैं और अब सियासत कर रहे हैं, बाप एनसी कश्मीरी कांग्रेस बीजेपी की सियासत कर रहे हैं। कौन सा मासूम है ये, कौन सा मासूम और मजलूम है जिसके हाथ में AK-47 है, ये कौन सा मासूम और मजलूम है? शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप पर। वो मासूम है जो अपना हक मांगते हैं, वो मासूम है जो अपना हक मांगते हैं। आपने उन लोगों को यंग मार कर रखा है, आपने उन लोगों को बंधुआ बना रखा है, आपने उन लोगों को पार्लियामेंट में वादा किया है, आपने कश्मीर में जिहाद की अपील चलाई हुई है। परेशान करने वालों को मासूम कहते हैं आप, शेम ऑन यू। खिलाफी करने वाले लोग, शेम ऑन यू। हथियारबंद लोगों को आप मासूम कहते हैं, कत्ल गारत करने वालों को मासूम करते हैं, जिहाद करने वालों को, रेप करने वालों को मासूम कहते हैं आप। फिर की अगर हमारे रेबल्स, अगर हमारे रेबल्स दहशत करते तो आर्मी क्या है? कहीं ना कहीं आर्मी फोर्सेस क्या है? आज के डेट में मैं आपको बता दूं, लाखों मुसलमान युवा कश्मीर में कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के विंग की तरफ आ रही, ये इनकी बौखलाहट है। अरे बाबर कादरी, तुम्हारे जैसे लोगों ने उन्हें भड़का के उन्हें अगर तुम मार रहे हो, उनकी कुर्बानी जाया नहीं होगी। ये लास्ट लड़ाई लड़ रहे हो तुम लोग, ये लास्ट लड़ाई लड़ रहे हो। कश्मीर, कश्मीरियत की मौत हो रही है, कम से कम शर्म करो, इंसानियत को मार रहे हो। अब तुमने जिस जो हथकंडा अपनाया है वो तुम्हें, और खुदारा की बात करते हो, अल्लाह के वास्ते ईमान है अगर तुम्हारे अंदर तो कम से कम इस 23 साल के बच्चे के लिए इंसाफ की बात करो। 23 साल के गौहर अहमद भट्ट साहब के लिए इंसाफ की बात करो बाबर कादरी। अभी 3 महीने जो तुम बड़े बड़े घरों में और होटलों में बैठ के कुछ चंद जो वहाँ के दलाल है कश्मीर के, जिन्होंने कश्मीर को जहन्नम बना दिया है, उनको अब आवाज नहीं बचेगी। हमारा जज्बा है, जज्बा नहीं है, खूनी जज्बा रखते हो। पाकिस्तान को नहीं बल्कि तमाम रीजन को आपकी छुटकारा दे रहा है। ये ताल ठोक के प्रोग्राम है साहब, यहाँ आवाजें दबती नहीं है, बुलंद आवाज में आपको आगाह किया जा रहा है। हमारी आवाज दबा किया जा रहा है, मेरे अपने अकाउंट्स भरना बंद कर दीजिए, कश्मीर के लिए अपनी आंखें खोल दीजिए। यू आर अ मीन एंड अ सेल्फिश मैन, हिंदुस्तान पाकिस्तान तमाम के बीच में मासूम कश्मीरियों को सिर्फ और सिर्फ अपने बंगले बनाने के लिए, अपने अकाउंट्स भरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान का भी खाऊंगा, सेपरेटिस्ट का भी खाऊंगा, लेकिन कश्मीर को निजात नहीं होने दूंगा परेशानियों से। दिस इज योर मोटो रूबी का। देखिए हम तो कहते हैं मसले कश्मीर का, हम चाहते हैं कि आपके बाबर कादरी घर जाए। बाबर कादरी आप जरा, बाबर कादरी सारे फले फूले, बाबर कादरी चिल्लाना बंद करो, बाबर कादरी पाकिस्तान हो गई, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बाबर कादरी हो गई, तुम्हारे एक किसी नेता का हमारी दुख का मैसेज भी नहीं आया, किस तरह की बात कर रहे हो? ये इंसानियत है, ये इंसानियत है, और दुजाना मारा जाता है लाखों। बाबर कादरी, बाबर कादरी जनाजे में इन्वॉल्व होते हो, बाबर कादरी पर अच्छी बात ये है, बाबर कादरी हकीकत ये है कि पिछले 5-6 साल से साउथ ऑफ पीर पंजाल में एक भी पटाखा आपके उग्रवादी नहीं बचा सके। ये पिछले 3 साल से साउथ कश्मीर में आप लोगों ने जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें ये थोड़ा आतंक किया था, यहां पे 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। आतंकवाद खत्म होता जा रहा है मेरे भाई। एक टाइम था जब डोडा में, गुलाबगढ़ में, इस पूरे इलाके में आदमी हिल नहीं सकता था, आज वहां इतनी पीस और स्टेबिलिटी है जितनी हिंदुस्तान में। पहली बात आप ये मान के चलिए, दूसरी बात ये है, दूसरी बात आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, कश्मीर आप मेरी बात सुनो, कश्मीर से बाहर, कश्मीर के अंदर, कश्मीर आपके तैयार रखिएगा, पाकिस्तान आप लोगों से तैयार रखिएगा, पाकिस्तानी हो गई सुनो। तो बाबर कादरी आपको नेक्स्ट फ्लाइट लेकर पाकिस्तान जाना पड़ेगा। रूबिका हालात ये हैं कि पाकिस्तान भी आपसे बहुत जल्दी पल्ला झाड़ लेगा, क्योंकि वो खुद प्रेशर में है, वो खुद प्रेशर में, अलगाववादी आपसे पल्ला झाड़ेंगे क्योंकि वो खुद प्रेशर में है। क्यों आप हमारा फैसला हमारी हमारी मैं डॉक्टर नहीं 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 इनका सब कोई फैसला है,
डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बिलीव करते हैं। फैसला लोग दे चुके हैं बार बार। 2014 में लोगों ने गवर्नेंस के लिए फैसला दिया, पार्टी बदल दी, नई गवर्नेंस चाहते। पात्रा साहब मेरा सिर्फ सवाल ये है, पात्रा साहब मेरा सिर्फ सवाल ये है, ये एक इतना अच्छा लीडर था, यंग बॉय था, अगर हमारा ये लीडर था और अगर नॉमिनेटेड था, इसको खतरा आ रहा था, मैं कहता हूँ आप लोकल गवर्नमेंट से क्यों नहीं पूछते इस बच्चे को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? Who has left? कश्मीर का लीडर नहीं था ये, बाबर कादरी जी तो मैं सुनना नहीं चाहते तो बकवास कर रहा है। देखिए आप किसी भाड़े के टट्टू हैं, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता और मैं ऐसी भाषा इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप एक्चुअली वो हैं। लेकिन मैं डॉक्टर साहब तहजीब के दायरे में रहे, मैं तहजीब आपसे क्या तहजीब करनी? अगर आप जो आदमी आपसे क्या तहजीब करनी, आपसे क्या तहजीब करनी? आप हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को गाली देते हो, मैंने आपको 20 बार बोल चुका जिस दिन जेब अरे भाई मैं आपको 20 चैनल पे बोल चुका हूँ जिस दिन जेब से भारत का नोट पर्स से निकाल लोगे, हमारा आधार कार्ड, हमारा पासपोर्ट, उस पर भारत की स्टैंप है, वो यूज करते हो और आपको सिक्योरिटी भी किसी ने दे रखी होगी। जिस दिन आप मुझे दो पैसे दिखा दोगे पाकिस्तान के और उसको चलाना, मैं आपसे बात करूंगा, तब तक मैं आपसे बात करूंगा। डॉक्टर साहब आपसे सवाल पूछ रहा हूं, एक ये नौजवान था, इसको खतरा धमकी आ रही थी, क्यों नहीं आप जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट से पूछते भाई इस बच्चे को क्यों नहीं सिक्योरिटी दी गई? क्या प्रॉब्लम है हमारे पास आज जे एंड के में? विश्वास करो डॉक्टर साहब, 4-5 डिस्ट्रिक्ट के सिवाय कुछ नहीं बचा हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेस उसको भी खत्म करेंगी। और जितने उग्रवादी मारे गए हैं एक्चुअली वो पिछले 2010-11 के बाद एनरोल्ड है, पुराने आतंकवादी नहीं है। इनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? ऐसे बच्चे को बचा क्यों नहीं हमने? डॉक्टर पात्रा, हु हैज फॉल्टर्ड देयर? प्लीज आस्क देम डॉक्टर पात्रा, दैट्स द इशू डॉक्टर पात्रा, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट होने जरूरी है, सोशल एक्टिविटी जरूरी है, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड जरूरी है। डॉक्टर यहां पे सड़कों पे रहता है, जानता वो गरीब फौजी है जो यहाँ पे 24 घंटे अरे मैं भी फौजी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं वहाँ, चिंता मत करो, हमें मत बताओ, हमें मत बताओ, हमें मत बताओ, अरे भारत की फौज को क्या करना है आप मत बताओ, दुनिया जानती है हमें क्या कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर हमारा, दुनिया जानती है। मैं कहता हूँ वो हमारे भाई है, गरीब 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 घरों से आए हुए हैं, इसी अरे 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 आपने ठेका ले रखा है गरीब अमीरी का, आपको नहीं वो कितनी गलत बात कर रहे हैं, वो हमारे सैनिकों को बोलता है गरीब, ये डिवाइड कर रहा है, आप कैसी बात सुनते हैं उससे? सर आपको लगता है आप इसका प्लीज स्टॉप दिस, स्टॉप दिस कमिंग टू द टीवी, ही इज हिटिंग एट योर सिक्योरिटी फोर्सेस, बट यू कांट कॉल जवान्स कमिंग फ्रॉम पुअर फैमिलीज, he can't be allowed to do that, he is trying to get him to the ek second sir, jana hi nahi us chakkar mein, jana hi nahi, because he will speak, people will hear, such people divide your country, jitna baja sakte hain bajaiye, your countdown has begun, his countdown has begun, exactly, his own countdown has begun, marte jaye kashmiriyon ko, marte jaye, koi nahi maar raha kashmiriyon ko, gaddar aap jaise logon ko maare ja rahe hain, doctor patra agar ye ek naujawan kisi ne maar diya usko khush hai, jis naujawan ko jisne mara hai wo security force nahi chhodi, और आपका गरीब फौजी मरता है, आपका कोई इलीट फौजी नहीं मरता, गरीब इस देश का फौजी गरीब नहीं है, वो बहुत बहादुर है, इस फौज का देसी, इस देश का फौजी सबसे सौभाग्यशाली है, उनको खाना देते हैं, जिसको खाना देते हैं उनको खाना क्या देते हैं? गरीब फौजी एक एक आतंकवादी को जो गुर्बत के दिन दिखाएगा देखिएगा, एंड विद अ स्माइल आई एम सेइंग दिस, ये गरीब फौजी आप गिनना शुरू कर दीजिए, देखिए ऐसे एंकरिंग करना हर किसी को आता है, जो मरता है ना वही जानता है, उसी की फैमिली जानती है, उसके घर वाले जानते हैं, लिसन टू अस डॉक्टर पात्रा। देखिए रूबिका जी, मैं तो एक आप कश्मीर के विषय तो बहुत बड़ा है, डिबेट को ही देखिए, यहाँ बैठा हर पैनलिस्ट जानता है कि बाबर कादरी जो है वो भारत के खिलाफ बोलते हैं, बाबर कादरी पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं, ये धमकी भी देते हैं कि लाशें और बिक जाएंगी, फिर भी हम हर डिबेट में इसको नहीं, मैं बोलता मैं पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोलता, मैं कश्मीरी अवाम के पक्ष में बोलता हूँ, अब झूठ बोलते हैं, सुनो सुनो सुनो, शांति से सुनो, चिल्ला गद्दार, चिल्लाओ, डर लग गया अब आपको कि मैं पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोलता हूँ, आपके लिए अचानक क्यों अपना स्टैंड बदल दिया, मेरे डिक्शनरी में आपके लिए गद्दार के सिवाय कोई शब्द नहीं है, मैंने कब कहा मैं पाकिस्तान के हक में बोलता ही बुलाऊंगा, मैंने एक दफा मुझे बताएं पाकिस्तान के हक में मैंने कब बोला, और तो किसके हक में बोल रहे हो भैया,
सुनो बैठो बैठो तो अभी बोलो अभी मैं कश्मीर के अवाम के मजलूम अवाम के हक में बोलता हूं जिनको दिन रात आप यहां पे सीएसआई को रखे हुए हैं कि बुरहान वानी पाकिस्तान का एजेंट था बोल के अरे सुनो हल्ला मत मचाओ रखे हुए हैं उनके हक में बोलता हूं हल्ला मत मचाओ ये कन इसके कनपट्टी में बंदूक रखा है इसके कनपट्टी पे बंदूक रखा है 24 घंटे सुबह से शाम तक चिल्लाता रहता है इसके कनपट्टी पे बंदूक रखा है किसी ने आप बताइए इसके कनपट्टी में बंदूक दिख रहा है सुबह से शाम तक हिंदुस्तान को गाली देता रहता है कनपट्टी में बंदूक रखा है अरे कनपट्टी में बंदूक रखता है चाइना कनपट्टी में बंदूक रखता है पाकिस्तान वहां आवाज निकलती नहीं है यहां सुबह से शाम तक गाली देते रहते हो अपने देश को और कनपट्टी में बंदूक रखा है बैठ जाओ चुपचाप गद्दार चिल्लाओ मत देखिए मैं दो बातें यहां कहना चाहता हूं नंबर एक बात है कि एक एक डिस्कोर्स ये आ रहा है कि हिंदू मुसलमान जहां तक कश्मीर का विषय है कि अगर मुसलमान भी कश्मीर का भारत के लिए काम करना चाहता है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा गोहर उसका एग्जाम्पल है उमर फयाज जी उसके एग्जाम्पल थे मोहम्मद अयूब जो DSP था जिसको मार दिया गया जमा मस्जिद के बाहर वो उसका एग्जाम्पल था कि आप अगर मुसलमान भी हैं वहाँ के लोकल भी हैं वहाँ जन्मे पले बढ़े कश्मीरी भी हैं तो भी आपको बख्शा नहीं जाएगा आप अगर हिंदुस्तान के पक्ष में बोलेंगे दूसरी बात है इसमें नई बात और मैं ये बार बार कहना चाहूंगा कि डिबेट में जो हम डिस्कोर्स कहते हैं कि देखो नहीं नहीं नई बात यही है बता रहा हूं ना कि डिबेट में जो डिस्कोर्स हमारा होता है कि देखो जी ये तो कश्मीरी था ये तो बाहर का नहीं था ये तो मुस्लिम था ये तो बाहर का नहीं था इसको भी मार दिया तो हमें यह नहीं छोटा करना चाहिए कि हिंदू हो या सिख हो उनकी भी जान छोटी नहीं है भैया वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होना चाहिए जान सबकी जान है किसी की भी जान नहीं डॉक्टर पात्रा मैं आपसे नहीं नहीं मैं बड़ी विनम्रता से आपसे एक बात कहना चाहता हूं हमने ये आज जाना है क्या हमने ये आज जाना है क्या 1990 में जब सबको खाली करा दिया गया घाटी से तब ये नहीं जाना था क्या कि वहां देशभक्तों का क्या हश्र हो रहा है तब से अब तक वहां जो चुन चुन के लोगों को मारा गया है बिल्कुल तब नहीं जाना था कि वहां देशभक्तों का क्या हश्र होता है तो फिर हम हुर्रियत जैसे लोगों पर सैकड़ों करोड़ रुपया क्यों खर्चते हैं हर साल उनकी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए वहां देशभक्तों की जब तक आप घाटी को देशभक्तों से खाली नहीं करवा लेंगे हर एक की मैयत नहीं उठवा लेंगे हर एक पर मातम नहीं करवा लेंगे तब तक क्या उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे आप सुनिए मेरी बात सुनिए आप भी मानते हैं ना कि अभी रूबिका जी ने आंकड़े रखा कि कैसे 3 महीनों में कितने आतंकवादी मारे गए हैं और किन कंडीशंस में आंकड़ों का खेल बंद कीजिए देखिए और अलगाववादियों के आप आतंकवादी मारते हैं नए आतंकवादी पैदा करते हैं आतंकवादी मारे जा रहे हैं तो आतंकवादी मारे जा रहे हैं लेकिन वहां आप तो फिर सार्वजनिक जनाजे निकलवा कर नए आतंकवादी भी रिक्रूट करते हैं तो क्या करें तो नहीं ना ना आप वहां हजारों लाखों की संख्या में हम उनका महिमा मंडन करके आतंकवादियों को साहब वहां रेडिकल कोई नहीं महिमा मंडन कोई नहीं करता है रेडिकल इस्लाम की गलती है वहाबिज्म की गलती है और ये जो सेक्युलर लोग हैं उनके मुंह से ये निकलेगा ही नहीं मैं तो चैलेंज करता हूँ आप लोग बोलिए ना रेडिकल इस्लाम की वहां रेडिकलाइजेशन फैला रहे हैं नाम आते ही आप लोग का गृह मंत्रालय सिक्योरिटी देता है जो वहां रेडिकलाइजेशन फैला रहे हैं उनकी आप लल्लो चप्पो करते हैं अरे कौन क्या बिल्कुल नहीं देता है बातचीत करने के लिए कोई लल्लो चप्पो नहीं करते हैं बिल्कुल लल्लो चप्पो नहीं करते हैं हम लल्लो चप्पो पीसी चिदंबरम करते होंगे पी चिदंबरम कहते हैं आजादी चाहिए कश्मीर को हम नहीं बोलते हैं पर खर्चा करते रहेंगे कब तक इनके ऊपर खर्चा करते रहेंगे क्या गृह मंत्रालय सैकड़ों करोड़ रुपया हुर्रियत पर नहीं खर्च रहा है आपका बिल्कुल जायज सुनिए सुन तो लीजिए मेरी बात कृपया करके रूबिका जी यह सवाल आपने पहले भी पूछा था मैंने उत्तर दिया था पुनः आपके व्यूअर्स के लिए उत्तर दे रहा हूं देखिए बहुत दुखद विषय है कि सेपरेटिस्ट को लेकर जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा इनको सेपरेटिस्ट भी मत बुलाइए आप देखिए आज NIA के माध्यम से मनी ट्रेल हमने स्थापित किया है कोर्ट में सारे तथ्यों के साथ हम इनको सेपरेटिस्ट प्रूफ करेंगे उसके बाद कोर्ट का जो आदेश होगा वो हमारे पक्ष में होगा क्योंकि एक सील टाइट केस प्रूफ फुल प्रूफ केस के साथ हम खड़े होंगे इतने वर्षों तक जो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ मनी ट्रेल एस्टैब्लिश करने का वो हमारी सरकार ने किया है साहब अरे आप डिबेट में तो कहते हैं पात्रा जी जब इंटरव्यू अपॉइंट करते हैं आपका वार्ताकार वो सबसे पहला स्टेटमेंट देता है कि हुर्रियत के लोगों से अलगाववादियों से बात कर इंटरलोकेटर देखिए ये पी चिदंबरम तो कश्मीर की आजादी चाहते हैं कुछ और होता है पात्रा जी का
यहाँ इन्होंने कहा कि कौन हिंदू, अरे पात्रा जी ये दृश्य देखिए, आज जब गोहर भट्ट कभी आजादी नहीं होता है तो हजारों कश्मीर की आजादी नहीं चाहते हैं, समझ लीजिए आजादी नहीं चाहते हैं, आप रोज बैठ करके रोज बैठकर यहाँ पर पोलराइज करते हैं डिबेट को, एक बार गंभीर कोशिश कीजिए। अभय दुबे साहब कश्मीर के नागरिकों को साथ लेकर न्यूज डिबेट में बुलाता है अभय दुबे साहब, तब जाकर आप गोहर भट्ट पर अपने दो कीमती शब्द निकालते हैं, दो कीमती शब्द, इससे पहले क्यों नहीं कर पाए, ये दुख तब क्यों नहीं प्रकट हुआ, 5 बजे से पहले क्यों नहीं प्रकट हो पा रहा था, राहुल गांधी की तरफ से क्यों प्रकट नहीं हुआ, क्यों क्यों इस पर पॉलिटिक्स होती है? एक सेकंड मेरा सवाल कंप्लीट, कितना दुखद प्रसंग है, क्या कोई राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या, एक भी किसी भी विचारधारा को हो, मगर वो प्रजातंत्र को पोषित करने के लिए काम कर रहा है, हम तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि ऐसे शब्द भी आप हमारे लिए प्रयुक्त मत कीजिए, हमारी संवेदनाएं, हमको बहुत हृदय से दुख हुआ, एक भी कार्यकर्ता जो काम कर रहा है कश्मीर में, लेकिन ये दुख ये होता है रूपिका जी, जब आप ही को मालूम छोड़िए हमें दर्द मालूम, भारत की सेना में सारे बच्चे जो जाते हैं वो बहुत बहादुर परिवारों से होते हैं, जो भारत की सेना का सैनिक है वो उन परिवारों से है, जो परिवार गांव में कहीं भी जाके पूछ लीजिएगा, जो प्रतिष्ठा से रहते हैं, जो भारत को बहुत प्यार करते हैं, और बच्चे को मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे परिवार है जिन्होंने 65 वॉर में फादर की डेथ देखी है और मां ने 71 वॉर में बेटा, आप झूठ बोलते हैं, आप मैं सच बोल रहा हूं, एक भी गलत शब्द बोला भारतीय सेना में वो सैनिक है जो परिवार बहुत प्रतिष्ठित है, जो परिवार बहुत बहादुर है, जो परिवार इस देश में नाच करते हैं, एक एक परिवार के 10-10 बच्चे, एक एक परिवार की 5-5 पीढ़ियां, एक एक परिवार की 5-5 पीढ़ियां, मेरे परिवार की 5 पीढ़ियां तेरे पूरी जायदाद को तेरे को खरीद सकते हैं, तू बोलता क्या बकवास करता है? सर बस एक सेकंड, मर्यादा हमें नहीं छोड़नी चाहिए, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बार बार जो लोग हमें ये कह रहे हैं कि क्या जरूरत है बाबर कादरी जैसे शख्स को यहाँ पर बुलाने की, तो हम ये बता दें कि ये एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको जितना आप सुनेंगे, आपको आपकी आंखें खुलेंगी, आप समझ पाएंगे कि वहां चल क्या रहा है, और चिन्हित करने वाला ये कार्यक्रम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप देखते रहिए।